कल्याण समिति के तत्वावधान में 3 दिवसीय भगवान श्री राम दरबार और राधा कृष्ण मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। दुर्ग जिला वार्ड नंबर 41 में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राम दरबार राधा कृष्ण मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जहां पर वार्ड वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भक्ति में डूबे रहे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आचार्य पंडित दिनेश प्रसाद पांडे रहे। बीते दिनों 4 मई से 6 मई तक यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 4 मई 2022 बुधवार कलश यात्रा, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, कर्म कुटी, अग्नि स्थापना, प्रधान देवता पूजन, जलाधिवास, अन्नाधिवास, वहीं 5 मई 2022 गुरुवार को वेदी पूजन, जलाधिवास, अनेक प्रकार वास, हवन, संयाधिवास, 6 मई 2022 शुक्रवार को देव स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण एवं भंडारा के साथ कार्यक्रम रखा गया। शिव शक्ति के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने 2 से 3 लाख रुपए की राशि प्रदान किए थे। समापन के पूर्व वार्ड पार्षद सहित कांग्रेस के वरिष्ठ आर.एन. वर्मा, सभापति राजेश यादव के साथ कांग्रेसी जन उपस्थित रहे, जिसका शिव शक्ति समितियों के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया और अंत में सभी ने भंडारा का प्रसाद खिचड़ी का ग्रहण किया। वार्ड पार्षद हमीद खोकर का सहयोग रहा। बीएसए एक्सप्रेस न्यूज के लिए दुर्ग से विजय लक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट। स्थापना का जो आयोजन किया गया है, ये पूरे मोहल्लेवासी और पूरे सुभाष नगर कसारी डी के सभी आदमियों के सहयोग से यह आयोजन स्थापित किया गया है और यह आयोजन बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारी समिति 2010 में ही स्थापित किया गया और इस भवन की निर्माणदाता श्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी की देन है, जिन्होंने हमें क्रमशः 3-3 लाख रुपए का 2 बार दान किया हुआ है, जिसकी बदौलत में उनको सांसद निधि से दिए हुए थे और उसके साथ में हमारे मोहल्ले वासियों का पूर्ण सहयोग।